नमस्कार। दिल्ली एमसीडी में सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है। दिल्ली एमसीडी के लिए मेयर किसका बनने जा रहा है, क्या बीजेपी का दावा सही होने जा रहा है, इसको लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि ऑपरेशन लोटस शुरू हो चुका है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए अगर बात की जाए तो मेयर के लिए इसी हफ्ते चुनाव है, और ऐसे में अब क्या खेला होने वाला है दिल्ली में, क्योंकि इससे पहले भी खेला चंडीगढ़ में हो चुका है। इसी तर्ज पर यह माना जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस एमसीडी चुनाव रिजल्ट के लिए मेयर यहां पर पद के लिए हो सकता है। जो बड़े बड़े दावे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी बड़ा दावा किया था कि पार्षद का मन किस तरफ जाता है ये पार्षद तय करेगा, क्योंकि बचे हुए वक्त के बीच क्या पार्षद पार्टी छोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले मनोज सिसोदिया ने भी ये दावा किया था कि उनके पार्षदों को खरीद फरोख्त के यहां पर दावे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी पर क्या खेला होने वाला है। एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने कब्जा जमाया, गुजरात में बीजेपी और हिमाचल में कांग्रेस, तीन बड़े चेहरे, तीन बड़ी जीत यहां पर मिली है। लेकिन दिल्ली में अभी खेला बाकी है। क्या दिल्ली के लिए चेयरमैन किसका होगा, दिल्ली पर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि कांग्रेस के दो पार्षद आम आदमी पार्टी में चले गए, तो यहां पर जो है खेल की शुरुआत हो गई, और फिर दबाव पड़ा तो कांग्रेस के दो पार्षद फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। तो क्या बीजेपी के लिए यहां पर जो आंकड़ा है वो बीजेपी यहां पर छू पाएगी, क्योंकि 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास है, बीजेपी के 104 हैं, कांग्रेस के 9 और 3 निर्दलीय। लेकिन बीजेपी के लिए अगर बात की जाए तो प्लस पॉइंट उनके साथ जो 7 सांसद और 3 राज्यसभा सांसद हैं, वो भी इस यहां पर चुनाव में मेयर के लिए यहां पर हिस्सा लेंगे। तो ऐसे में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता है, कुछ पार्षद की उनको और जरूरत होती है, वो कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं। चंडीगढ़ में इससे पहले खेला बीजेपी कर चुकी है, उसी तर्ज पर बीजेपी यहां पर एमसीडी में भी खेला कर सकती है। 33 पार्षद यहां पर चुने गए थे चंडीगढ़ में, और बीजेपी के पास थे केवल 12, आम आदमी पार्टी के पास थे 14। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने यहां पर चंडीगढ़ में अपना मेयर बना लिया, तो फिर क्या इसके अर्थ है कि बीजेपी दिल्ली एमसीडी में भी खेला कर सकती है। 8 पार्षद श्रोमणी अकाली दल के भी थे जो यहां पर चंडीगढ़ के लिए अपना यहां पर बात की जाए तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिए। ऐसे में जो वोट की जरूरत थी वो थी 14 वोट के साथ चंडीगढ़ में मेयर बन जाता जिसके पास 14 वोट थे, और ऐसे में कांग्रेस का एक पार्षद बीजेपी में चला गया, साथ ही एक सांसद जो चंडीगढ़ के थे उन्होंने बीजेपी को वोट कर दिया, तो बीजेपी का आंकड़ा जो है बराबर 14 पर पहुंच गया और खेला हुआ, और आखिर में आम आदमी पार्टी के एक वोट यहां पर नष्ट हो गया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 13 रह गया और बीजेपी यहां पर 14 पर पहुंच गई, जिस दम पर बीजेपी ने चंडीगढ़ में अपना मेयर बना लिया। लेकिन दावा यह है कि दिल्ली के लिए क्या बीजेपी का दावा यहां पर बीजेपी मेयर बना पाएगी नहीं, इसको लेकर आंकड़े सामने आ चुके हैं। बीजेपी जो है यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल पाएगा। एमसीडी की बात की जाए 250 पार्षद चुने गए हैं, ऐसे में आंकड़ा है कि बीजेपी के पास 7 लोकसभा सदस्य और 3 राज्यसभा सांसद भी इस चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी का 10 और यहां पर आंकड़ा बढ़ जाता है। और अगर बात की जाए तो कांग्रेस के 9 पार्षद अगर टूटते हैं बीजेपी से संपर्क में साधते हैं, 3 निर्दलीय और कुछ आम आदमी पार्टी की भी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी डर है कि पार्षद यहां पर बीजेपी खेमे में जा सकते हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि फिर बीजेपी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार कर सकती है। फिलहाल अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा है, और अगर आम आदमी पार्टी की तरफ वो आंकड़ा रहता है चुनाव तक, तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जिन नामों पर यहां पर सहमति बन सकती है मेयर के लिए, उसमें नाम आ रहा है प्रमिला गुप्ता का नाम सामने आ रहा है। इनका काम दिल्ली महिला आयोग की पूर्व सदस्य हैं, और यहां पर बात तिमारपुर सीट वार्ड क्रमांक 11 से वो जीत दर्ज कर सकती है, जिनका नाम जो है मेयर के लिए सबसे आगे आ रहा है जो जानकारी है। इसके लिए अगर बात की जाए सारिका चौधरी का भी नाम यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर के लिए सबसे आगे है, उस्मा काम उनकी पार्टी के लिए संस्थापक सदस्य के तौर पर है, जबकि दरियागंज वार्ड क्रमांक 142 से वो यहां पर जीत दर्ज कर सकी हैं, जबकि निर्मला कुमारी भी यहां पर जो है मेयर के लिए सबसे आगे नाम चल रहा है, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष हैं। विकासपुरी का वार्ड क्रमांक 112 से उन्होंने जीत दर्ज की थी। प्रियंका गौतम का भी नाम सामने आ रहा है, जिसमें काम उनका SC ST विंग की उपाध्यक्ष है, और विकासपुरी वार्ड क्रमांक 194 से उन्होंने जीत दर्ज की है। इसके अगर बात की जाए तो एमसीडी को लेकर जो है यहां पर खेला अभी बाकी है, क्या बीजेपी चंडीगढ़ की तर्ज पर दिल्ली एमसीडी भी कब्जा जमाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि माना यह जाता है कि अगर पार्षद जो है किसी भी यहाँ पर पार्टी को वोट करता है, पार्टी उन पर दल बदल का यहाँ पर जो कानून है वो नहीं लगा सकती। एमसीडी चुनाव के लिए ये आंकड़े बनते हैं, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि एमसीडी चुनाव में अभी भी यहाँ पर एक हफ्ते का वक्त बाकी है, इस बीच क्या होगा
क्या चेयर के लिए बीजेपी यहाँ पर खेला करने वाली है या फिर आम आदमी पार्टी ही यहाँ पर एमसीडी में कब्जा जमाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है क्योंकि पार्टी की तरफ से अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। मेयर चुनाव के लिए यहाँ पर पार्षद सांसद और विधायक यहाँ पर शामिल होंगे, वो किसका साथ देते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर रखनी है। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।